कल दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में हंगामा फैलाने के आरोप में आम आदमी पार्टी के खिलाफ पुलिस सख्त। पार्टी के तीन नेता आशुतोष, शाजिया इल्मी और प्रोफेसर आनंद कुमार के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। आपके नेताओं के खिलाफ कल ही FIR दर्ज। इनके खिलाफ दंगा फैलाने, गैरकानूनी काम करने और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत केस दाखिल। आपके कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश। हंगामा करने के मामले में अब तक आम आदमी पार्टी के 14 कार्यकर्ता गिरफ्तार। 33 लोगों को लिया गया था हिरासत में, कुछ को आज सुबह छोड़ा गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली पुलिस पर आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष का पक्षपात करने का आरोप। ट्वीट के जरिए कहा, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता क्यों नहीं हुए गिरफ्तार? बीजेपी नेता नलिन कोहली क्यों घूम रहे हैं आजाद? दिल्ली पुलिस हंगामे की फुटेज की कर रही है तफ्तीश। कहा, अगर बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता पाए गए आरोपी तो उनके खिलाफ भी होगी कार्रवाई। बीजेपी दफ्तर पर घमासान पर केजरीवाल ने आज गुजरात के भुज में भी माफी मांगी। कार्यकर्ताओं से कहा, संयम बरतना जरूरी, कल भी मामले पर जताया था खेल। कि हमारे एक आध कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने शायद रिटेलिएशन में थोड़ा सा हिंसा किया है, उसके लिए कल भी मैंने माफी मांगा था कि अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता कोई गलत काम करता है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं को ये बोलता हूँ कि किसी भी हालत में हाथ नहीं उठाना है और हमें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के तीन नेताओं पर हंगामा करने और गैर कानूनी रूप से भीड़ जमा करने के धाराओं के तहत केस किया दर्ज। आचार संहिता को लेकर दिल्ली चुनाव आयोग ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। आपके हंगामे को लेकर बीजेपी नाराज। दोपहर 1 बजे बीजेपी नेता सुषमा स्वराज इस मामले पर राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। मुख्तार अब्बास नकवी ने मांगा है चुनाव आयोग से समय। गुजरात दौरे पर आज अरविंद केजरीवाल का दूसरा दिन। भुज से राजकोट की यात्रा पर है केजरीवाल। भुज के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। अस्पताल के मुआयना कर रहे थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। गुजरात दौरे के दूसरे दिन भी अरविंद केजरीवाल ने साधा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। मुंदड़ा में कहा, गुजरात में विकास का दावा पूरी तरह से खोखला है। यहाँ प्रगति नहीं है बल्कि किसानों की बदहाली है। ऐसा नजर आता है कि जो दूसरे राज्यों में चल रहा है वही यहाँ भी चल रहा है। जैसे हुडा हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार है, वो भी किसानों की जमीनें छीन छीन के रॉबर्ट वाड्रा को, DLF को और रिलायंस को दे रहे हैं, और यहाँ पे जमीनें छीन छीन के सारी रिलायंस को, अडानी को दी जा रही है। फिल्म गुलाब गैंग के खिलाफ रोक हटाने के लिए फिल्म के निर्माता पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। अपर बेंच से रोक हटाने की अपील। 7 मार्च को रिलीज होनी थी फिल्म। यूपी में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने पर सस्पेंस। हालांकि IMA का ऐलान, कोर्ट के निर्देश का सम्मान, हड़ताल वापस लेने का ऐलान, लेकिन अभी भी कई जगहों पर काम पर नहीं लौटे हैं डॉक्टर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने का दिया था आदेश। जांच आयोग से 3 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। कोर्ट का अखिलेश सरकार को आदेश। चुनाव आयोग की सलाह से IG DIG का हो तबादला। SSP यशस्वी यादव को हटाया गया। हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ यूपी सरकार ने बरती थी सख्ती। राज्य सरकार ने लगाया था एस्मा। एस्मा लागू होने के बाद कानपुर यूनिट ने दिखाई नरमी। पहले डॉक्टरों का फिर मरीजों का करेंगे इलाज। लंबे सस्पेंस के बाद बिहार में कांग्रेस RJD का गठबंधन तय। चुनाव साथ लड़ने की तैयारी। कांग्रेस NCP को 13 सीटें। हमारा जो गठबंधन है कांग्रेस का RJD का, इसका साथ दें और फिर का प्रस्ताव को दरकिनारा करें और यही सहमति हुई है।
डीएमके ने भी सीटों के बंटवारे का किया ऐलान, तमिलनाडु में 35 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। तीसरे मोर्चे से दूर होने लगी जयललिता, लेफ्ट से बातचीत बेनतीजा। झारखंड में जेएमएम के साथ आए कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे दिवंगत थॉमस हांसदा के बेटे, राजमहल से दी सीट। लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान, 9 चरणों में 7 अप्रैल से 12 मई तक वोटिंग। 7 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग, आखिरी चरण में 12 मई को डाले जाएंगे वोट। 16 मई को वोटों की गिनती, 31 मई से पहले नई सरकार का होना है गठन। पहले चरण के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 21 मार्च, आखिरी चरण के लिए 24 अप्रैल तक का समय। 16वीं लोकसभा का चुनाव कार्यक्रम अब तक की सबसे लंबी अवधि का, 2009 में 5 चरणों में हुआ था मतदान। शरद पवार का मोदी के खिलाफ हल्ला बोल, कहा अच्छी मार्केटिंग का मतलब अच्छा प्रोडक्ट नहीं होता। बीजू पटनायक की जयंती पर भुवनेश्वर में युवा रैली का आयोजन, नवीन पटनायक ने शंख बजाओ स्वाभिमान बचाओ का दिया नारा। समाज सेवी अन्ना हजारे ममता बनर्जी की सादगी की मुरीद, दीदी ने केजरीवाल से ज्यादा दिए हैं बलिदान। ममता बनर्जी का जो त्याग दिखाई दिया उसके बराबर अरविंद का त्याग कम पड़ता है। उन्होंने बंगला लिया और मुझे तो समझ में आया कि आप जो बंगला भी नहीं छोड़ रहा तो ये फर्क दिखने देता है। ग्रेटर नोएडा में मुआवजे को लेकर किसानों की चेतावनी, चुनाव का करेंगे बहिष्कार। इलाहाबाद में वकीलों ने बस में लगाई आग, हादसे में एक वकील के मौत पर गुस्सा। दिल्ली में एक सीवर में गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत, 6 घंटे बाद मिला शव। नानी के साथ लौट रहा था घर, ढक्कन खुला होने की वजह से सीवर में गिरा बच्चा। दिल्ली के मुंडका में मेट्रो के आगे खुदकुशी की कोशिश, गंभीर रूप से जख्मी नौजवान। दिल्ली के पश्चिम बिहार में नाबालिग ने लगाया रेप का आरोप, साजिश में मां भी शामिल। एशिया कप में अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया, टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी है टीम इंडिया। पहले खेलते हुए 159 रन पर आउट हो गई थी अफगानिस्तान की टीम, भारत ने 33वें ओवर में 2 विकेट खोकर पाया लक्ष्य। 30 रन देकर 4 विकेट लेकर रविंद्र जडेजा बने मैन ऑफ द मैच, रहाणे और धवन ने ठोकी हाफ सेंचुरी। अपने आखिरी टेस्ट में ग्रैम स्मिथ को मिली करारी हार, केप टाउन में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 245 रन से हराया। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका को मिला था 511 रन का टारगेट, 265 पर ऑल आउट हुई मेजबान। 3 मैच की सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया ऑस्ट्रेलिया ने। अमेरिकी संसद में आज दलाई लामा प्रार्थना सभा में होंगे शामिल, सेनेट में दोनों दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। दलाई लामा की तीसरी अमेरिकी यात्रा, चीन हमेशा से जताता रहा है विरोध। फ्लोरिडा में एक बीच पर रेस्क्यू की सनसनीखेज तस्वीरें, 3 बच्चे मौत के मुंह से निकाले गए। सर्फिंग के दौरान हुआ हादसा, लाइफगार्ड्स ने बचाई जान। फ्लोरिडा के मशहूर पॉप स्टार जस्टिन बीबर की जुडिशियल कस्टडी की तस्वीरें सामने, एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करने के आरोप में गिरफ्तार।